हेलो गाइस, मेरा नाम संतोष साहू है। पिछली बार आया था वही प्रोफेशन से टीचर, कमाई में फटीचर। आज मुझे बहुत अच्छी सीट मिली थी, तो मैंने कितनों के जूते देखे भाई। जोक्स खराब लगे तो जूते फेंक के मारना मत। सो शाहरुख खान के फैंस हैं यहाँ पे, तो मैं एनसीबी आर्यन खान के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ। उनकी एक पिक्चर थी चेन्नई एक्सप्रेस, उसमें एक डायलॉग था, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ कॉमन मैन। वो डायलॉग शाहरुख खान के स्टेचर से मैच करता नहीं है। भाई तेरी पिक्चर 200 करोड़ कमाती है, तू ये क्या डायलॉग बोल रहा है? प्रोफेशन के नाम पे कुछ भी चिपका दोगे? पर वो डायलॉग जो था वो एक मेरे लाइफ से मतलब जुड़ा हुआ था, बराबर। मैंने किसी कॉमन मैन को अंडर एस्टिमेट किया नहीं था, पर मैंने एक एग्जाम को अंडर एस्टिमेट किया था। उसके वजह से आज कॉमेडियन कुछ तो अच्छा हुआ। यस, तो वो एग्जाम बहुत ही टफ सब्जेक्ट का था, कंप्यूटर। और उसके लिए बोर्ड का टाइम था, टेंथ मेरा बोर्ड का एग्जाम था 2006। कंप्यूटर का एग्जाम इसलिए टफ था क्योंकि उसमें 7 दिन की छुट्टी मिली थी। गुजरात गवर्नमेंट को कंप्यूटर से काफी लगाव है, उनको लगता है कि बच्चों को कंप्यूटर का मतलब सीपीयू मॉनिटरिंग पता है, इसलिए उनको 7 दिन का गैप दिया जाता है। और मैं जो बंदा था बोर्ड के एग्जाम के पहले, एक दिन पहले क्रिकेट खेल रहा था। अब तो 7 दिन की छुट्टी तो पक्का एंजॉयमेंट। तो इस तरह से मतलब कंप्यूटर का स्टार एग्जाम की पढ़ाई कर रही थी, तो मैंने 5 दिन तक तो बुक को हाथ लगाया नहीं। और इसी टाइम पे ना आपके पेरेंट्स आपको याद दिलाते, बेटा तेरा बोर्ड का एक एग्जाम बाकी है। हाँ, कंप्यूटर का। तो फादर आए, वो बोले, ओ गधे के बच्चे, तेरा एक एग्जाम बाकी है, याद है ना, पढ़ाई करना है ना। बोला हाँ मैं पढ़ाई कर रहा हूँ पापा, उसकी बहुत तैयारी कर रहा हूँ। बोला 5 दिन से तू खेल ही रहा है, मुझे तेरी तैयारी नजर आ रही है। तो फिर पापा ने वो डायलॉग बोला, गधे का बच्चा। तो मैं सोचा कि मैं तो बच्चा हूं, गधा कौन? ऐसे चीज आप अपने पापा को बोल नहीं सकते हो, सीधा लोटा फेंक के मारेगा, तुम्हारे चेहरे का ज्योग्राफी बिगड़ जाएगा। सो 5वां दिन था, अब पापा की ओर से आपको अल्टीमेटम मिल गया है, तो कंप्यूटर की पढ़ाई करनी पड़ेगी। कोई भी बच्चा होगा ना, भले वो टॉपर भी होगा ना, वो कंप्यूटर के एक रात पहले ही वो पढ़ेगा। और उसके बाद मैंने जो है कंप्यूटर की बुक ढूंढने चालू की। पूरा घर मैंने जो है कबाड़ा बना दिया था। फिर वहां से निकला कंप्यूटर की टेस्ट बुक, एकदम नई थी, फ्रेश। और उसके अंदर था मेरा क्रश का एक लव लेटर। तो लेटर देखने के बाद मैं थोड़ा सेंटी हो गया, थोड़ा रोने जैसा लगा, और मैं वॉशरूम चला गया। वॉशरूम प्रेशर आया था इसलिए गया था, और कुछ नहीं था। अगले दिन एग्जाम, मतलब नेक्स्ट मंडे को एग्जाम था। सो मैं साइकिल पे निकल पड़ा। वो मेरी एक फेवरेट स्कूल थी, विद्या भारती। अब जनरली क्या होता है कि आप अगर एग्जाम के लिए अपेयर होते तो अपना सीट नंबर वो देख के आते हो। भाई तो उस टाइम पे कॉन्फिडेंस में, ओ मेरी स्कूल है, मैंने देखा हुआ है, पापा आप टेंशन मत लो, मैं पहुंच जाऊंगा। तो 9:30 बजे के करीब मैं निकला घर से मस्त साइकिल चला के। उस दौरान एक गाना चल रहा था, बहुत बेहतरीन गाना था, झलक दिखला जा एक बार आजा आजा। तो साइकिल चलाते ऐसे, एक बार आजा आजा आजा, झलक दिखला जा, ये मेरा चल रहा था। आधे घंटे बाद मुझे पता चला कि ये स्कूल का रास्ता नहीं है। तो जो फ्लो था ना, एकदम मतलब कैसे, एक जैसे भाई का एक एटीट्यूड था रैप करने का, वो आ रहा था। फिर बाद में आजा आजा आजा। अब वहां पे आपको जो है तब भगवान याद आते हैं। सडनली क्या हुआ कि वहां पे
झलक आजा झलक दिखला जा आजा आजा करते मैं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कभी स्थित लोग हो जाए पूरा फ्लो चेंज हुआ। इवन जैसे तैसे करके मैं स्कूल के पास पहुंचा तो वहां पे एक ऑटो ड्राइवर थे, तो मैंने पूछा कि ये विद्या भारती स्कूल किधर है। अब उसने जो भाषा बोला था मैं यहाँ पे नहीं बता सकता, बोला चढ़ा के आया है क्या आगे बहुत बेहतरीन शब्द थे सुनहरे शब्द से, बोला ये सामने क्या दिखा दे रहा, बोला वही है। अब मेरे लिए हमेशा वो स्कूल बहुत अच्छा रहा है, इतना बड़ा कैंपस, बास्केटबॉल का ग्राउंड और लगभग आधा किलोमीटर का तो क्लासरूम है, उसके पहले वो मतलब जो है आपका ग्राउंड आ जाता है। तो दौड़ते दौड़ते जो है मैं क्लासरूम में पहुंचा तो मुझे ऐसा लग रहा था अगेन कि मैं शाहरुख खान हूं और वहां पे कभी खुशी कभी गम की जया बच्चन मेरा इंतजार कर रही थी और पसीने से लथपथ था। अब जितना बड़ा कैंपस होता ना उतना वो बुरा भी लगता है उस दिन, क्योंकि आप टाइम से एकदम पीछे रहते। अगर बाय चांस, मैं वही सोच रहा था एग्जाम को आते आते, अगर ये एग्जाम छूट जाता ना मेरे पापा होते अंडरटेकर और घर पे मुझे पहुंच के रहते एक चौक सलाम और वहां पे मम्मी मुझे पूछती, डेली सोप के डायलॉग चालू हो जाते और फिर वो म्यूजिक बजता धन 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 धन। तो एग्जाम हॉल में मैं जैसे पहुंचा मैं बैठा वहां पे और मैंने अपना रोल नंबर देखा 318 336, मैंने बेंच को पप्पी दे दिया वहां पे हमारे क्लासमेट भी थे, तू कर क्या रहा है, बोला मैं जो अभी एक घंटे में करके आया हूं ना तुम लोगों सोच भी नहीं सकते, ऑलमोस्ट आधी मौत में मर के आया हूं। तो एग्जाम अच्छे से गया और तुरंत ही मैं मतलब जितना फास्ट मैं एग्जाम देने के लिए आया था उतना फास्ट वहां से निकल गया। दैट वॉज द हॉरिबल डे ऑफ माई लाइफ। बोर्ड के एग्जाम के बाद सब लोग खुश होते हैं, मैं वो एग्जाम कैसे कंप्लीट हो उसके बारे में सोच रहा था। तो वो एक एग्जाम था कंप्यूटर का, तो जहां पे मुझे सबक मिल गया डोंट अंडर एस्टिमेट द एक्सट्रीमली लोएस्ट सब्जेक्ट। 12वीं में वही कंप्यूटर का एग्जाम आया और मैं एक घंटे पहले वो स्कूल में था। थैंक यू वेरी मच।